बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर फात। आज हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है फॉर एड मैथ्स फॉर ओ लेवल्स। अब आप देखें कि दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हमने पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब आइए, हमने इसको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल टाइप इक्वेशन बिकॉज द वेरिएबल इट इज़ इन द पावर। तो अब आप देखें कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये पावर ये है 4, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2x। और ये क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हम इसको कर सकते हैं, 2 5 10 होता है। पावर के ऊपर पावर आ जाए ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 2x इंटू 5 पावर 2x। ध्यान रहे कि इफ़ वी हैव अ डबल पावर देन दैट विल बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर। ये 2 है और इसके ऊपर ये x पावर दे रखा है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू 1 बच गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया 2x अपॉन 2, अलग अलग कर लेते हैं। चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये 2 पावर +1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दिस इज 2x माइनस 1। सिमिलरली ये 5 2x है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। अब आप देखें कि ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इसकी पावर है और इसकी पावर भी 2x माइनस 1 है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और सिंगल पावर बना के लिख दिया हमने 2x माइनस 1। तो इसका देखें, अब पावर अलग अलग करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा अगर सेम पावर हो तो बेस को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दी सिंगल पावर दिया। तो अब ये हो गया 2 5 10 और ये हो गया 2x माइनस 1। तो अब आप देखें यहाँ बेस आपके पास क्या आ गई है, 10। अगर यहाँ पर भी बेस 10 हो जाए तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है, 1। तो हमने 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इफ़ द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड इफ़ द पावर्स आर सेम देन द बेसिस विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो इसी स्ट्रेटेजी को हमने यूज़ किया है। तो यहाँ 10 थी बेस, तो यहाँ हमने लिख दिया 10 की पावर 0। एनी पावर 0 विद द वेरिएबल क्या होता है, कोई भी पावर दे रखी हो द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू 1। नाउ द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/2 द वैल्यू ऑफ x। डियर स्टूडेंट, हमने एड मैथ से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2 से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया था। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैथ विद यासिर अरफात ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।